जाने कलश स्थापन का सर्वोत्तम मुहूर्त। कलश स्थापन के दिन किस विधि से करें पूजा, किन खास मंत्रों का करें जाप, जिससे हो मनोकामना पूरी, सब बता रहे हैं पंडित कमल नयन पांडे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। त्योहारों का मौसम आ चुका है, दुर्गा पूजा बेहद नजदीक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूजा से जुड़े हुए कुछ खास विधि विधान और मुहूर्त के विषय में भी। इसके लिए हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य और प्रखर कर्मकांडी पंडित कमल नयन पांडे जी मौजूद हैं। पंडित जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि हम दुर्गा पूजा से जुड़ी हुई कुछ खास बातें करने जा रहे हैं। दुर्गा पूजा की शुरुआत का मतलब है कि कलश स्थापना करना, और मैं ये जानना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए कि कलश स्थापना का सर्वोत्तम मुहूर्त क्या होगा, कैसे कलश स्थापना सही विधि विधान के साथ करें, और अगर किसी के मन में कोई मनोरथ है, कोई मनोकामना पूरी करनी हो, तो कलश स्थापना के दिन क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसका प्रयोग कर सकते हैं? नवरात्र जो प्रारंभ होता है, उसमें सबसे पहले प्रतिपदा और द्वितीया, इन दोनों का संयोग होता है, उस दिन से नवरात्र प्रारंभ होता है। कलश स्थापन जो है उसका सर्वोत्तम मुहूर्त अभिजित मुहूर्त माना गया है, जो 11:37 से 35 मिनट के लिए आता है। तो वह जो काल होता है, उस काल में अगर कलश स्थापन किया जाए तो जिस मनोकामना से पूजन किया जाता है, वह मनोकामना अवश्य में उसका पूर्ण होता है। ऐसे तो दुर्गा सप्तशती के समस्त पाठ करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है, लेकिन पाठ करने की क्षमता सभी में एक समान नहीं हो सकते हैं। कुछ संस्कृत पढ़ सकते हैं, कुछ संस्कृत नहीं भी पढ़ सकते हैं। तो मूलतः ज़्यादा प्रभावी संस्कृत का पढ़ना ही होता है। हिंदी जो है, बहुत लोग हिंदी का पाठ करते हैं, लेकिन हिंदी में भाव तो प्रकट होते हैं, लेकिन शब्द बोध जो है वह उचित नहीं हो पाता है। जिस तरह से कोई गायिका किसी गीत को गाता है और वह उसको पढ़ के सुना दे, तो दोनों के सुनने में, श्रवण में जो है आनंद के अनुभूति में कमी का अनुभव होगा। उसी तरह से जिस तरह से संस्कृत का पाठ किया जाता है, वह ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो प्रथमतः तो ये है, जो उसका पाठ करने में सक्षम नहीं हो, वह नवार्ण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका प्रतिदिन जो है वह 1000 बार जप करे, तो उसके जप करने से भी दुर्गा पाठ के समान ही फल प्राप्त होते हैं। तो यह उसको करना चाहिए। जहाँ तक नियम का प्रश्न है, तो नियम जितना अन्न निराहारौ यताहारौ तन मनस्कौ समाहित। अगर आप निराहार रहने में सक्षम है तो निराहार होकर करिए, अगर फलाहार करके करने में सक्षम है तो फलाहार करके करिए, और इन दोनों से भी सक्षम नहीं है, अन्न खाकर ही कर सकते हैं, तो फिर आप अन्नादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जगदम्बा जो है वह माता है, और माँ जो है वह अपने पुत्र के गुणावगुण, उसके सामर्थ्य, उसकी शक्ति, उसके ज्ञान, इन सबों से पूर्ण विज्ञी होती है। इसलिए वह जितना क्षमा कर सकती है, उतना संसार में कोई भी क्षमा करने में सक्षम नहीं है। तो इस तरह से अगर पूजन का प्रयोग किया जाता है, जहाँ तक सामग्री इत्यादि का उसमें प्रश्न है, तो सामग्री आप अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार जो अर्पित करते हैं, वह सभी भगवती को ग्राह्य होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल हो, फूल हो, जल हो, अन्नादि हो, इन सबों को भोग लगाया जा सकता है। और जगदम्बा का प्रतिदिन जो है वह दीपक जला करके, दीपक अवश्य में जलाना चाहिए, क्योंकि अग्नि जो है वही सूर्य का प्रतिनिधि होता है। ऋग्वेद का पहला मंत्र जो प्रारंभ होता है, वह अग्नि की ही वंदना से होता है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातम, अर्थात अग्नि जो है यह सृष्टि से प्रारंभ भी था
और सृष्टि के पश्चात भी रहेगा, इसलिए यह शाश्वत है। तो उसका जब साक्षी हो जाता है तो वह पूजन जो है परिपूर्ण हो जाता है। तो इस विधि से जो 9 दिन पर्यंत निराहार रह के, फलाहार रह के, अन्नाहार रह के भगवती के प्रति अपनी जो समर्पित भावना व्यक्त करता है, तो उसके मनोविलसित फल अवश्य में उसको प्राप्त होते हैं। पंडित जी, जो नवरात्र का व्रत करने के लिए सोच रहे हैं, जिन्हें पूरा 9 दिन का उपवास रखना है, जो पहले से सोच रहे हैं कि हमें नवरात्रि अच्छी तरह से करनी है, कल स्थापना के दिन उन लोगों को किन किन बातों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है? पूजन में बैठने से पहले किन बातों का ख्याल रखें, कल स्थापना के वक्त किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए? पवित्रता 2 तरह से होती है, एक बाह्य की पवित्रता और एक अंतर की पवित्रता। बाह्य पवित्रता जो है स्नान आदि से होता है, लेकिन अंतर की पवित्रता जो होती है वह विचार से होता है। इसलिए मन में किसी के प्रति भी द्वेष का रखना, ईर्ष्या का रखना, अहंकार को रखना, यह सब नवरात्र व्रत में अलग कर देना चाहिए, क्योंकि उसी पन्ने पर लिखा जा सकता है जो सादा, जिसमें पूर्व से कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि मनोवृत्ति जो होती है वह एक दूसरे से प्रभावित होता है। इसलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करना आवश्यक होता है। मन जब शुद्ध हो जाता है तब भक्ति जो है वह उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले तो स्नान आदि से पवित्र हो ले। संध्या और गायत्री के जप के बिना कोई भी पूजा या अनुष्ठान परिपूर्ण नहीं होता है। इसलिए प्रथमतः गायत्री संध्या की उपासना कर लेनी चाहिए, पितरों को अर्पण इत्यादि कर लेना चाहिए, फिर दुर्गा सप्तशती का जो कलश स्थापन इत्यादि है उस प्रक्रिया को करके तब पाठ में संलग्न होना चाहिए। जो 9 दिन तक निराहार ही रहना चाहते हैं उनका पारण जो है वह 10वीं में होगा, क्योंकि 9 दिन तक तो उनका व्रत ही रहेगा, 10वीं में वह पारण करेंगे। और पारण करके हवन इत्यादि करके, और कुमारी कन्या का बहुत महत्व दिया गया है शक्ति की उपासना में, 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या मानी जाती है, इसी का पूजन करना चाहिए। और इसके पूजन करने से ये माना जाता है कि यह जो कुमारी है यह साक्षात भगवती स्वरूपा ही है, और उनकी समस्त कामनाएं उसके पूजन से पूर्ण होता है। उसके पूजन में वस्त्रादि देना चाहिए, माला देना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए, अर्थात उनके तृप्ति की पूर्ण प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। तो ऐसा जब करते हैं तो उसके समस्त मनोवृत्तियों का परिष्कार हो जाता है और उनके मनोविलसित फल की प्राप्ति होती है। तो सामान्यतया पूजन का विधान यही है। अब उसमें मानसिक शुद्धि के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सबों से दूर रहना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन हो यह उत्तम है किसी भी पूजा अनुष्ठान के लिए। इसलिए उसका पालन करते हुए जो भगवती की उपासना करता है वह अवश्यमेव अपने मनोविलसित फल को प्राप्त करता है। कल स्थापना को लेकर आपके द्वारा कही गई सारी बातें, सारी जानकारियां बहुत ही उपयोगी साबित होंगी हमारे दर्शकों के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि सादे कागज पर ही कुछ लिखा जा सकता है, अगर मन शुद्ध हो तभी जाकर पूजा का फल भी मिल सकता है। उम्मीद है हमारे दर्शक भी इन सभी चीज़ों को समझ पाए होंगे, ये जान पाए होंगे कि कल स्थापना का सर्वोत्तम मुहूर्त क्या है, ये भी जान पाए होंगे कि सबसे अच्छी विधि क्या है, कैसे आप देवी भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं, और आपको कल स्थापना के वक्त अपने मन से किन सारी चीजों को दूर रखना होता है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।